बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने आज चीन को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है और कहा है कि गलवान घाटी में शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए भदौरिया ने कहा, LAC पर हम हर हालात को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम शांति से सभी मुद्दों का हल चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी तरह की आक्रामकता का माकूल जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। आपको बता दें कि भदौरिया ने यह भी कहा कि गलवान घाटी के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कल लद्दाख के आसमान में एयरफोर्स के फाइटर जेट उड़ते देखे गए, वहीं सीमा पर खूनी झड़प के बाद वायुसेना प्रमुख 2 दिन के दौरे पर लद्दाख भी पहुंचे थे और प्रधानमंत्री की बात को उन्होंने दोहराया है कि शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आर्म्ड फोर्सेस रिमेन प्रिपेयर्ड एंड विजिलेंट एट ऑल टाइम्स। ऑल एफर्ट्स आर अंडरवे टू एंश्योर दैट द करंट सिचुएशन एट LAC इज रिजॉल्व्ड पीसफुली। It should be very clear that we are well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. I assure the nation that we are determined to deliver and will never let the sacrifice of our braves of Galwan go in vain. मैं सीधा रुक कर रही हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार इस वक्त इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारियों अपडेट्स के साथ। मनीष, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मामला आगे ना बढ़े, बातचीत से निपट जाए, कूटनीतिक स्तर पर पूरे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन आरकेएस भदौरिया का जिस तरीके से आज बयान आया है वायुसेना प्रमुख का, आपको क्या लगता है ये इस वक्त हमारी जरूरत भी है कि हम चीन की हिमाकत जो बार बार चीन कर रहा है, झूठ बोलना, आंकड़े न देना, इन तमाम चीजों को लेकर यह हमारी जरूरत भी है कि हम स्पष्ट कर दें कि हमारा संदेश ये है, आप कैसे डील करना है आप समझ जाइए। स्थिति कितनी नाजुक है आशा, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आरकेएस भदौरिया वायुसेना चीफ जो पासिंग आउट परेड है, जो एयरफोर्स के जो नए काबुल होंगे, जो वो अब छुट्टी पे नहीं जाएंगे, उनको कहा गया कि तुरंत उनको अब फ्रंटलाइन पे जाके उनको ज्वाइन करना होगा। यानी इसी से अंदाजा लगाइए कि जो नए एयरफोर्स में जो ये अधिकारी आएंगे, जो अपना सेवा देंगे देश को, उनको छुट्टी पे नहीं भेजा जाएगा, उनको भी फ्रंटलाइन पे जाने के लिए कहा जा रहा है। यानी इसी से समझिए कि क्या सिचुएशन है। आपको पता है कि वायुसेना प्रमुख ने खुद लेह और श्रीनगर का दौरा किया था, वहां पे एयरफील्ड पे गए थे, क्या वहां पे तैयारी, इस बात का उन्होंने जायजा लिया था। और पूरे लेह लद्दाख और श्रीनगर में जितने एयरफील्ड थे वहां पे हमारे सुखोई MiG-29 तेजस अपाचे हेलीकॉप्टर चीनुक हेलीकॉप्टर इन सभी की तैनाती की गई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे जो जवान हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हम शांति चाहते हैं, लेकिन कोई भी अगर कोई दुस्साहस करेगा तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ये साफ संदेश आज वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया ने दिया। आशा,